किस तरह से रोहित शेट्टी का कॉप यूनिवर्स कर सकता है बम्पर कमाई? क्या दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह और अक्षय कुमार के कंधों पर है बड़ी जिम्मेदारी? दोस्तों, खतरों के खिलाड़ी रोहित शेट्टी की अपकमिंग फिल्म सिंघम अगेन अब सुर्खियों में है। सिंघम और सिंघम रिटर्न्स के बाद अब डायरेक्टर रोहित शेट्टी अजय देवगन के साथ सिंघम अगेन पर काम शुरू कर चुके हैं। इस फिल्म में अजय देवगन, अक्षय कुमार और रणवीर सिंह का ट्रायो फिर से हमें देखने को मिलने वाला है। वैसे ये फिल्म रोहित के कॉप यूनिवर्स को मदद कर सकती है 1000 करोड़ के क्लब में एंट्री लेने के लिए। जैसे रोहित शेट्टी की पहली फिल्म सिंघम ने 100+ करोड़ की कमाई की थी, फिर 2014 में रिलीज हुई सिंघम रिटर्न्स ने 144 करोड़ का लाइफ टाइम कलेक्शन किया, फिर 2018 में रिलीज हुई सिम्बा ने बॉक्स ऑफिस पर 240 करोड़ की कमाई की, फिर 2021 पर रिलीज हुई अक्षय कुमार की सूर्यवंशी ने 195 करोड़ की कमाई की, तो लगभग 679 करोड़ की टोटल कमाई हुई। यानी कि अगर सिंघम अगेन ने 321 करोड़ की कमाई कर ली तो रोहित शेट्टी का कॉप यूनिवर्स 1000 करोड़ क्लब में एंट्री ले सकता है। दोस्तों, रोहित शेट्टी की अगले फिल्म सिंघम अगेन से काफी उम्मीदें हैं। ये फिल्म रोहित के कॉप यूनिवर्स की शान बढ़ा सकती है। फिल्म में करीना कपूर के साथ साथ दीपिका पादुकोण भी हट के रोल में नजर आने वाली है, वो भी एक पुलिस वाले के अंदाज में। वैसे सिंघम अगेन के बाद रोहित दीपिका के साथ एक और फिल्म बनाने वाले हैं, जिसमें विक्की कौशल और सिद्धार्थ मल्होत्रा का नाम भी लिया जा रहा है। वैसे कॉप यूनिवर्स को आगे ले जाने में अब दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह और अक्षय कुमार पर भी काफी बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि दीपिका की फिल्म के साथ साथ रणवीर सिंह की सिम्बा का सीक्वल आने वाला है और अक्षय कुमार की सूर्यवंशी का भी सीक्वल आने वाला है। तो देखते हैं कि ये फिल्म अब क्या कमाल करती है। तो दोस्तों, आप सिंघम अगेन के लिए कितने एक्साइटेड हैं? बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। मैं प्रगति मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सेफ रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।